अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों आज मेरे पास ये है एक फ़ोन एयरफोन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये JBL ब्रांड का एयरफोन है। एक काफ़ी अच्छी है, इसको मैं पिछले 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छी है। इसकी साउंड क्वालिटी और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है इसकी, और इसकी जो लुक्स हैं और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी, वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। पिछले 10 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज मैं इसके कुछ मैं अपने ओपिनियंस बताऊंगा, और इससे पहले मैं इनके कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। तो यह है JBL ब्रांड का जो है कि हेडफोन, जैसे कि देख सकते हैं यहां पे JBL जो है कि हरमैन लिखा हुआ, बाई हरमैन, और ब्लूटूथ है। और यहां पे आपको इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा, लाइव 200 BT, ये इसका मॉडल नंबर है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये नाम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा इसका जो है कि JBL वायरलेस, JBL सिग्नेचर साउंड, हैंड फ्री कॉल एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दूसरे साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको योर साउंड अनप्लग्ड, इसका मतलब ये है कि आप मतलब कि मोबाइल में कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, अनप्लग साउंड यानी इसको कोई प्लग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यहाँ पे आपको इसके फीचर्स जो यहाँ पे हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्रीमियम एल्युमिनियम हाउसिंग, ये सारी चीज़ें, एल्युमिनियम गेम के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ लिखा हुआ ये है कि 15, यहाँ पे लिखा हुआ 15 मिनट्स, यहाँ पे चार्जिंग का सिंबल दिया है, इक्वल टू 1 आवर्स म्यूजिक। इसका मतलब कि अगर आप 15 मिनट चार्ज करते हैं तो आप इसको 1 घंटे के लिए म्यूजिक सुन सकते हैं। और बैटरी यहाँ पे लिखा हुआ 10 आवर्स, यानी 10 घंटे इसकी बैटरी लाइफ होगी। और यहाँ पे एक जो वार्निंग दिया हुआ, कैंसर का जिसको अगर शिकायत है तो प्रॉब्लम है वो उसको न सुने, तो यहाँ पे भी लाइव BT2 यहाँ पे लिखा हुआ। और डेयर टू लिसन, डेयर मतलब हिम्मत टू लिसन, बहुत ही अच्छी जो है कि एक इसकी इंटेंशन है। और बाकी फीचर्स यहाँ पे हैं तो इसको कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो है कि इस तरह से आपको मिलता है, जब निकालते हैं तो और कुछ नहीं है, ये सिर्फ मिलता है इसके अंदर से आपको। और इसके अंदर जो है कि रखा हुआ होता है, तो कुछ इस तरह से इसके अंदर जब निकालेंगे तो रखा हुआ होता है, और इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी क्योंकि मैं इसको निकाल चुका हूं तो उसको साइड करते हैं। और बस इसके बाद आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, और यहां पे 2 जो है कि इसके लिए ये रबड़ मिलता है इसमें लगाने के लिए कवर, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी अब मैं आपको एक मेन जो है कि हेडफोन है इसके कुछ यूज़र कैसे करते हैं उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक स्विच मिलता है आपको, ये स्विच जो है इसको आप ऑन ऑफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये स्विच ऑन ऑफ़ के लिए है, ये बत्ती जल रही है मतलब ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और इसके साथ एक USB केबल मिलेगा जो कि मेरे पास अभी नहीं है, रूम पे है, ठीक है। तो इस पे आप चार्जिंग टाइप सी नहीं है, आप टाइप सी नहीं है तो मैं ये है नॉर्मल जो आता है वो है इसमें। और यहाँ पे आपको जो है कि 3 बटन मिलते हैं, एक माइनस और प्लस का, यानी साउंड आप माइनस प्लस घटा बढ़ा सकते हैं। और ये जो है ये वाला जो बटन है बीच का, इसमें एक बटन है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये ब्लूटूथ का बटन है, ठीक है। ब्लूटूथ से अगर सुनना चाहते हैं तो इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये ब्लूटूथ का म्यूज़िक आ जाएगा। बस ये है और कुछ नहीं। यहाँ पे JBL ब्रांड सारा चीज़ें लिखा हुआ, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं और मज़े से यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। गाइस ये जो आवाज़ अभी आप सुन पा रहे हैं ये इसी जो है कि ब्लूटूथ वायरलेस JBL ब्रांड का एयरफोन है, इसी का जो है कि आवाज़ है, और इसको आप इस तरह से कान में लगा सकते हैं। काफ़ी जो है कि कम्फर्टेबल है ये, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इसकी बैटरी लाइफ है। जैसे कि आप इसको अगर डेली 2 घंटे अगर यूज़ करते हैं तो आप 5 दिन तक इसको डेली जो है कि कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर सकते हैं। डेली 2 घंटे अगर यूज़ करते हैं तो 5 दिन तक इसको यूज़ करते हैं, यानी 5 दिन तक इसकी बैटरी आपको बैकअप मिलेगी 2 घंटे के हिसाब से, यानी 10 घंटे इसकी बैटरी लाइफ है। और इसकी जो है कि कनेक्टिविटी रेंज आप अगर देखेंगे तो डायरेक्ट अगर खुले चीज़ में, खुले मैदान में, यानी बीच में कुछ दीवार दरवाज़ा वगैरह नहीं आता है,
तो इस तरीके से आप 10 से 12 मीटर तक आप इसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं। अगर किसी मोटे दीवार के बैक साइड में चले गए, मोबाइल इस साइड में है और आप उस साइड में कनेक्टिविटी कनेक्ट करके चले गए तो उसमें कुछ आवाज़ छोड़ देता है। तो 10 से 12 मीटर तक आप जो कि अच्छी खासी इसकी कनेक्टिविटी देख सकते हैं। और इसकी प्राइस की बात कर लें तो इसकी प्राइस जो है, मैंने जो लिया था, मैं किसी बंदे से लिया था, उसने ख़रीदा था तो ऑफ़र में वो बंदे लिया था, तकरीबन इसका 2500-2600 रुपये जो कि इसका होता है इंडियन मनी। मैं दुबई में इसको लिया था तो ये 125 दिरहम का, और इसकी जो है कि फ़िलहाल में जो है कि इंडिया में अगर लेते हैं तो आपको 4000 के तकरीबन मिल सकता है। इस तरह से रेट में आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन में ये मिल जाएगा इस तरह से।